यादव और आपके साथ मैं हूं अनुजा। राज्य सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एकजुट प्रयास पर सहमत हो गए हैं। दोनों नेताओं ने 10 सदस्यीय रणनीति समूह गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। यह फैसला शुक्रवार को सुबह लिया गया है, जब सिद्धू ने कुलजीत नागरा और परगट सिंह के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पंजाब से जुड़े मुद्दों और पार्टी सरकार के बीच तालमेल को मजबूत करने के कदमों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समूह में नवजोत सिंह सिद्धू, पार्टी के 4 कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागरा, सुखविंदर सिंह डेनी, परगट सिंह, संगत सिंह गिलजियान व पवन गोयल के अलावा स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा और वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और सामाजिक सुरक्षा मंत्री अरुण चौधरी को सदस्य बनाया गया। यह समूह जरूरत पड़ने पर अन्य मंत्रियों और विशेषज्ञों आदि के परामर्श से साप्ताहिक बैठकें करेंगे। हालांकि इससे पहले यह समूह राज्य सरकार के विभिन्न कदमों की प्रगति पर चर्चा और उनकी समीक्षा करते हुए उनमें तेजी लाने के सुझाव भी दिए हैं। वहीं बता दें कि एक अन्य फैसले में कैप्टन ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को पंजाब कांग्रेस भवन में रोजाना बारी बारी से विधायकों और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठकें करने का काम भी सौंपा, ताकि उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सके और किसी भी शिकायत का समाधान किया जा सके। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।